हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अफशा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी साड़ीज का, ब्लाउजेस का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एंड कुछ जो है रेडी टू वेयर है और कुछ जो है, मैंने तो वैसे रेडी टू वेयर सेक्शन में से ही ली थी, बट दे आर नॉट रेडी टू वेयर। सो ये डिस्क्रिप्शन हमेशा पढ़ा करो लेने से पहले, और इनमें से कोई भी चीज़ पसंद आती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, तो फर्स्ट जो साड़ी हमें ली है वो है ये वाली साड़ी। अच्छा, ये जो है कम्प्लीटली रेडी टू वेयर आती है, यानी कि रेडी प्लीटेड आती है। यहाँ पे जो है मैं स्क्रीन शॉट लगा दूंगी। सो बेसिकली जो रेडी प्लीटेड साड़ियाँ होती है ना, उसमें जो ये फैब्रिक है, ये ऑलरेडी जो आप प्लीट्स बनाते हो वो ऑलरेडी प्लीट बना हुआ होता है, इस तरीके के कुछ खापचे होते हैं। ठीक है, जब इसमें आप है ना ये वाला, लाइक बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे ऑलरेडी, ऑलरेडी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, आपको चेकआउट कर सकते हो। सो बेसिकली ये साड़ी जो है कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, और आपको जो इसको नॉर्मली स्कर्ट की तरह, यहाँ पे इस तरीके का बटन है, इस तरीके का स्कर्ट की तरह आपको इसको टाई कर लेना होता है। और ये जो है इस पे प्लीट जो है यहाँ पे बन जाती है। सो दीज आर द प्लीट्स, एज यू कैन सी ये प्लीट जो है ऑलरेडी इसमें बनी हुई आती है। सो प्लीट जो है कुछ इस तरीके की यहाँ पे आएगी। मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, मतलब मुझे अगर मैं किसी का वीडियो ऐसे देखूँ तो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मैंने सोचा आपको डेमो बता ही देती हूँ। सो हम ये दुपट्टे को हटा देते और ये जो हमारा एरिया है उसको हम कमर के पीछे लेंगे सीधे। दिस इज द एरिया जहाँ पे ये इस तरीके के ये बने हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे आपका हुक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको टाई कर लेना है, और ये जो आपकी टाई कर लेना है, क्लिप को लगा देना है, जैसे हम नॉर्मली पैंट्स वगैरह की लगाते हैं। तो ये प्लीट जो है सामने से रेडी आ गई है। अब योर वेरी गुड टू गो। सीधा आपने ऐसे पल्ला लिया, ये पल्ले को बनाना है बनाया, नहीं बनाना है नहीं बनाया, ये आपकी मर्जी है। एंड इट्स रेडी। सो बेसिकली ये जो साड़ी है वो कुछ इस तरीके से आती है। ठीक है, सो दिस इज द साड़ी का पल्लू, रेडी है। कपड़े की क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन ये 999 रुपीज में था, प्राइस के अकॉर्डिंगली काफी सही है। तो ये पल्लू जो इसका कुछ इस तरीके का आ जाता है ना, आई एम रियली लाइकिंग दिस। सो या आप ट्राई आउट कर सकते हो उसको। एंड या है वो यहाँ पे अनस्टिच फैब्रिक आया है। इनकेस अगर आप रेडी टू वेयर देख रहे हो, लाइक मैं जब देख रही थी मुझे ऐसा था कि मुझे इंस्टेंटली पहनना है, मेरे पास टाइम नहीं था, इसके लिए मैंने ये बाय किया था। तो ब्लाउज पीस का क्या करें, तो ब्लाउज पीस को कट कर दो। अमेजोन पे बहुत सारे डिफरेंट जो है ब्लाउजेज ऑलरेडी अवेलेबल है। लेट मी शो यू वन जो मैंने इसके साथ बाय किया था, बिकॉज मुझे थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक चाहिए था। विद दिस गॉट दिस क्रॉप टॉप बेसिकली। सो दिस इज इन साइज 3XL, दिस इज फ्रॉम स्टूडियो रासा। सो ये कुछ इस तरीके का आ जाता है, ये 3XL में आएगा। फ्रंट में बटन डिटेलिंग दी गई है। बहुत ज्यादा चटकदार ब्लाउज भी मुझे नहीं चाहिए था, बिकॉज ऑफकोर्स साड़ी का लुक जो है काफी स्लीक है। ये कुछ इस तरीके का आ जाता है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। तो ये डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो, 3XL में अवेलेबल था, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। शेपवेयर्स की जो कि हम साड़ी शेपवेयर के तौर पर जानते हैं, मेरे पास एक ही था, बट मुझे चाहिए था रेड। अब मैंने जब अमेजोन खोला, उसमें इतनी सारी वेरायटी, कोई 300 वाली होवे, कोई 600 वाली होवे, कोई 1400 रुपए की भी होवे, तो मैंने सब कुछ सेम कलर में मंगा लिया, ताकि मैं एक्चुअली में देख सकूं कि इनमें डिफरेंस क्या है और क्या इसमें इश्यूज आते हैं। क्या 300 वाली में अगर काम चल रहा हो तो फिर 1400 रुपए वाला क्यों बाय करना है ना। तो चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेट्स रोल। क्लोविया का ये समथिंग 800 रुपए का था, और ये साइज XL तक ही अवेलेबल है। जो क्लोविया है उसमें स्मॉल टू XL तक ही अवेलेबल आता है। तो इफ यूर इनकेस डबल XL, आपको बहुत ही ज्यादा फिट ये होने वाला है। बट साड़ी का लुक इसमें बहुत ही अच्छा आता है, अमेजिंग सा आता है। जो फिश कट पैटर्न होता है ना, इट्स वेरी गुड एंड विजिबल। एंड ये जो है कुछ इस तरीके का, यहाँ पे इस तरीके का इलास्टिक आता है। ये पूरा जो इलास्टिक है उसकी चौड़ाई इतनी है, ठीक है, जो एक्चुअली में इलास्टिक है। तो अगर आपका टमी एरिया ज्यादा होगा तो ये काफी अच्छे से कंसीलिंग देगा, बहुत ही प्यारा सा ये लुक देगा। और इसमें जो है एक स्लिट भी आता है, तो आप इजीली इसको ना वेयर कर सकते हो, और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बट XL तक ही अवेलेबल है, इनकेस योर डबल XL और 3XL तो ये अवेलेबल आपको नहीं मिलने वाला है। क्वालिटी जो है क्लोविया का वो बहुत अच्छा आता है। बेसिकली इसका फीचर ये है कि जो इसका बैंड है ना वो यहाँ तक है, तो आपका जो पूरा टमी है वो उस तरीके से शेपवेयर के तौर पे काम करेगा, और वो विजिबल नहीं होगा पेट से बाहर से बिल्कुल भी। काफी अच्छा लुक आता है इसका। मैंने बाय किया था वो ये वाला आ जाता है, तो मैंने 3XL साइज में बाय किया है। बट एज यू कैन सी
ये कम्प्लीटली प्लेन आ जाता है, इसमें साइड में स्लिट दिया हुआ है। कपड़े का क्वालिटी जो है, दिस इज लाइक्रा मटेरियल, ये जो स्ट्रेचेबल वाला वैसा मटेरियल नहीं है जैसे कि वो क्लोविया वाला था। क्लोविया वाला इज रियली गुड, बट साइज का इशू इसमें आ जाता है। इसमें ट्रिपल एक्सल अवेलेबल है, लेकिन ये नॉर्मल पेटीकोट की तरह इसमें ना एकदम छोटू सा इतना सा ही बैंड दिया हुआ है। क्लोविया में यहां तक बैंड था जिसकी वजह से आपको जो टमी एरिया है वो पूरा आपका कंसील हो रहा था, इसमें नहीं होगा। तो इनकेस अगर आपको टमी एरिया कंसील नहीं करना है, आपका टमी एरिया ऑलरेडी कम है, आपको उतना शेप वहां पे फ्रंट में नहीं चाहिए, तो आप इसके लिए जा सकते हो। बट पर्सनली अभी तक मेरा जो है क्लोविया का ही वाला जो है मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट रहा है। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक, उतना अच्छा नहीं लगा मेरे को। दिस वन जो कि नायका का इन हाउस ब्रांड है, बट अमेजोन पे ये मिलता है, लिंक्ड करके आ जाता है, और इसके अंडर गार्मेंट्स मैंने यूज किए, इट्स वेरी गुड। तो मैंने सोचा चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज ये डबल एक्सल में अवेलेबल था और ये समथिंग 1000 rupees का आता है, लाइक क्लोविया वाले से भी एक्सपेंसिव ये है। सो लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली गोना वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका भी ब्रांड क्लोविया वाले जितना ही है, इसमें डबल एक्सल अवेलेबल है, इसका मटेरियल क्लोविया वाले से भी ज्यादा अच्छा है, एंड इसकी कंसीलिंग भी बहुत अच्छी आने वाली है। ऑल्दो मुझे क्लोविया वाले का स्ट्रेच ज्यादा अच्छा लगा, बट हाँ ये भी शायद पहनने के बाद पता चलेगा, काफी ज्यादा सुंदर ये भी है। तो इनकेस क्लोविया और ये दोनों सेम ही है, अगर आपको डबल एक्सल में चाहिए तो आप निक्ड वाले पे जा सकते हो, अमेजोन पे सब कुछ अवेलेबल है, बहुत अच्छा क्वालिटी है इसका भी, एंड आई रियली लाइक दिस। तो या तो ये डिफरेंस होता है थोड़े से एक्सपेंसिव वाले में और कम वाले में, मतलब मैं सोच रही थी कि डिफरेंस क्या है, कि ये 350 का है वो 500 का, ये एकदम ही कम रेट का है, वाई। तो दिस वाज वाई साड़ी जो कि अगेन रेडी टू वेयर है, बट रेडी टू वेयर जितनी साड़ी आती है दीज आर नॉन रिटर्नेबल, ये बार ध्यान रखना, मतलब अगर आपको कुछ कपड़ा वपड़ा पसंद नहीं आया ना तो इट्स टोटली ऑन योर रिस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लाउज का एरिया आ जाता है, दिस इज द ब्लाउज एरिया, क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंगली सही है, लाइक 999 rupees भी पे, एंड ये जो है कुछ इस तरीके का इसका बेल्ट एरिया आ जाता है, अगेन आपको जैसे मैंने दिखाया था बिल्कुल उसी तरीके से टाई करना है, ये हुक पैटर्न आ जाएगा, डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल तक अच्छे से आ जाता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो ये प्लीट्स है वो बनी हुई है, ठीक है। सो दीज आर द प्लीट्स, एंड यहाँ पे एज यू कैन सी बहुत ही अगेन ये सुंदर सा आ जाता है, एंड दिस इज दुपट्टा, ठीक है, एंड क्लासिकल गांधी वाइब्स। तो यार बहुत ही ज्यादा सुंदर सी साड़ी है, मुझे लगती है मुझे हमेशा से ना एक वाइट एंड वो वाली पॉलिटिशियन टाइप साड़ी चाहिए थी, तो जैसे आई सॉ दिस आई गॉट दिस, क्वालिटी इज रियली नाइस, वो रेडी टू वेयर नहीं है, दीज आर प्लेन सिंपल साड़ीज, सो लेट्स डू इट। एंड अखिलम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, एवरीथिंग इज लिंक डाउन, ओके, माय होल स्टोर का लिंक आपको मिल जाएगा। गोल्डन कलर इज रियली रिच, लाइक रिच वाइब दे रहा है, ज्यादा इस तरीके का सही सा लगता है ये, एंड मुझे काफी अच्छा लगा था ये कलर, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज ब्लैक एंड गोल्डन, तो ये इसका पल्लू आ जाता है, ठीक है, बहुत ही सुंदर है, क्वालिटी काफी अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंगली इट्स रियली नाइस। रेडी टू वेयर होता तो मजा आ जाती, मेरे मजे थे, बट दिस इज नॉट रेडी टू वेयर, दिस इज सो सैड, एंड दिस इज द पार्ट, काफी अच्छा है ये प्रिंट, डेफिनेटली इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे तो आप ले सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं इसको टेलर से एकदम रेडी टू वेयर करा लूँ ताकि मैं अपने हिसाब से पहनूं, एंड दिस इज द ब्लाउज एरिया वी हैव, सो या फेयर इनफ। दिस फ्रॉम अखिलम, ये देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, और मैंने वो ट्रांजिशन गुलाब साड़ी डे इसको लिया था, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग द वाइब, जैसी ये दिख रही थी ना वैसे ही इसका लुक उठ करके नहीं आ रहा है, पर्सनली फील नॉट सिल्क। और इसपे जो सुंदर सा वर्क दिखा रहा था, दिस इज एक्चुअली चिपकेला चिपकेला डायमंड्स, सो क्वालिटी इज नॉट अप टू मार्क। ये पल्लू जो है कुछ इस तरीके का आ जाएगा, पूरी साड़ी इसी तरीके की प्रिंटेड है, फैब्रिक का क्वालिटी थोड़ा सा चीप लग रहा है मुझे, सो ये कुछ इस तरीके का इसका पल्लू आ जाएगा, एंड या ठीक ठाक है ये, बहुत ज्यादा अच्छा या बुरा नहीं है। सो या वी हैव दिस लाइक पूरा सैटिन गोइंग ऑन, एंड दिस इज द ब्लाउज का एरिया, ठीक है। तो कोई वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब बदल गए इसको देखने के बाद, पल्लू इस तरीके का लगेगा। एक रेडी टू वेयर ब्लाउज लिया था, स्लीव आ जाती है इसकी, इस तरीके का नेक पैटर्न ये आएगा फ्रंट में, और बैक जो है इसका कुछ इस तरीके का आ जाता है, रेडी टू वेयर ब्लाउज है। इसके साथ मैंने ये रेडी टू वेयर ब्लाउज लिया था, इनकेस अगर आपको भी जल्दी हो तो आजकल ट्रिपल एक्सल में भी अवेलेबल है। आई थिंक दिस इज अगेन फ्रॉम स्टूडियो रासा, क्वालिटी इज रियली अमेजिंग। ये 300 रुपए वाला सस्ता सा पेटीकोट,
कॉटन आते हैं उससे तो इट्स बेटर, नो 450 वाला है। अच्छा अब इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो कट है वो कुछ इस तरीके का दिया है, अगेन इसमें बैंड नहीं है बट इसमें जो है कुछ इस तरीके का टाई अप पैटर्न आ जाता है, लाइक्रा मटेरियल का ही है ये, लेकिन इसमें डोरियां हैं, बाकियों में ना डोरियां नहीं थी, इसमें डोरियां हैं तो आप अपने हिसाब से इसको फिट वगैरह कर सकते हो। सो यार ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, अगेन नाइस पैटर्न दिस साड़ी। दिस इज इन ब्लूइश कलर, मुझे लग रहा था पर्पल कलर की आएगी बट कलर इज सो डैम रिच। पूरी साड़ी कुछ इस तरीके की आ जाती है, अगेन रेडी टू वेयर नहीं है ये, ठीक है रेडी टू वेयर नहीं है, लाइक लुक एट द कलर इज सो वाइब्रेंट एंड रिच, वेरी गुड। मतलब ये कलर मुझ पर सूट भी बड़ा करता है, सो या रियली लाइक दिस, बट क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग लाइक बहुत हाई फाई क्वालिटी नहीं है। इसकी फिनिशिंग भी देख के नहीं रखी, मतलब दोनों ही साइड से ना इस तरीके से अनइवन है, तो आपको उसको फिनिशिंग करवाना पड़ेगा, हैंड वॉश करना पड़ेगा, तो क्वालिटी इज ओके ओके। स्क्रीन पे इसको देख रही थी तो आई वाज रियली कंफ्यूज कि ये पर्पल है या ब्लू है, तो आई एक्चुअली गॉट टू ब्लाउजेस, वन इन पर्पल कलर एंड वन इन ब्लू कलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लू कलर का आ जाता है, इस तरीके का कलर इज रियली गुड, ठीक है। तो कलर कुछ इस तरीके का आएगा, बहुत ज्यादा सुंदर है, रेडी टू वेयर ब्लाउज आ जाता है और ये जो है इसकी स्लीव आ जाती है। आई रियली रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस, या पर्पल भी ब्लाउज ले लिया था फॉर सेफ्टी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का आ जाता है, अगेन ये भी काफी अच्छा है क्वालिटी इसका, बैक जो है कुछ इस तरीके का आ जाएगा एंड आई रियली रियली लाइक दिस। साथ मैंने अगेन पेटीकोट लिया था, 350 रुपए का समथिंग ये था, इसमें भी ये कुछ इस तरीके का डोरियां आ जाती है, बट ऑनेस्टली मुझे जो सारे शेपवेयर्स है उसमें निक्ड और क्लोविया का ज्यादा बेटर लगा, क्लोविया में लिमिटेड साइज आती है तो निक्ड NYKD जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं। सो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इन केस यू बाय देन तो वहां से जाके आप इन्हें बाय कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बेहद धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक।